हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा आप सभी को पता चल चुका है कि सीबीएसई द्वारा क्लास 10th और क्लास 12th का जो री एग्ज़ाम है 2021 का, वो 25 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच करवाए जाएंगे, जिसका रिजल्ट जो है सीबीएसई 30 अगस्त तक जारी कर देगी। जैसा कि सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक हलफनामे में कहा कि वो हर हालत में जो है अनिहाव कि वो 30 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर देगी, जबकि जो आईसीएसई बोर्ड है उसने कहा कि हम 20 सितंबर तक जो है आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी कर देंगे, जो री एग्ज़ाम लिया जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सीबीएसई ने कल कहा था कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है उससे संबंधित जितना फैक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो कल शाम 6 बजे तक जो सीबीएसई नोटिस जारी कर देगी कल, क्योंकि सीबीएसई ने कल एक सर्कुलर में कहा था, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस सर्कुलर में सीबीएसई ने कहा कि 5 बजे तक, सॉरी कल 6 बजे तक, यानी 6 अगस्त को 6 बजे तक जो है सीबीएसई क्या कर देगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। किसको लेकर? डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को लेकर, कि कोई विद्यार्थी, कोई अगर स्टूडेंट जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराएगा, और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है वो किस आधार पर बच्चों का नंबर चेक करेगी और कैसे नंबर बढ़ाएगी और कब तक जो है नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, यानी इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी इसको सीबीएसई ने कहा था कि हम आपको नोटिस दे देंगे कल 6 बजे तक, 6 अगस्त को 6 बजे तक। बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसको लेकर नहीं आया है। तो सीबीएसई जो चीज़ विद्यार्थियों को चाहिए, जो स्टूडेंट्स को चाहिए कि भाई हमें ज़रूरी है, उसको जल्दी जारी कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी जो हैं काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में कि क्या जो सर्कुलर जारी किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा वो कैसा होगा, तो इसमें सीबीएसई लेट कर रही है। बट जिसमें लेट करना चाहिए, जिसको जारी नहीं करना चाहिए, उसको सीबीएसई जल्दी जारी कर दे रही है। हालांकि सीबीएसई ने अभी तक कोई डेट शीट जारी नहीं की है। अभी देखो डेट शीट कब जारी की जाएगी, यानी एग्ज़ाम आपने कह दिया कि 25 अगस्त से लिए जाएंगे 15 सितंबर तक, बट अभी तक आपने डेट शीट नहीं जारी की कि भाई आर्ट्स वाले बच्चों का ये डेट शीट है, कॉमर्स वालों की ये है, आर्ट्स और साइंस साइड वालों की है, और 10वीं क्लास की डेट शीट है। अब डेट शीट कब जारी करेंगे इसको लेकर भी आपने कोई पुख्ता जानकारी किसी को नहीं दी है। एक तो एग्ज़ाम आप अचानक से ले रहे हैं, हालांकि एग्ज़ाम अगर लेना था तो आप बच्चों को इसके लिए टाइम देना चाहिए था, और पहली बात तो एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आपके पहले एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे कोरोना की वजह से, तो अभी भी तो डेल्टा वेरिएंट का खतरा बना हुआ है, तो अभी आप किस आधार पर बच्चों के पेपर करवाएंगे। केरला हो गया, वहाँ पर आप हालत देख रहे किस आधार पर कोरोना का दोबारा जो डेल्टा वेरिएंट है वो आ चुका है, कुछ स्टेट्स में जो केसेस मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, दिल्ली में भी लगातार केस मिल रहे हैं, यूपी में मिल रहे हैं, और बहुत जगह तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पर्वतीय इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है, तो वहाँ बच्चे कैसे पेपर देने जाएंगे। आपने एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी। इसके अलावा इसी बीच जेई मेन्स का एग्ज़ाम भी है। अब जो बच्चे जेई मेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो री एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो री एग्ज़ाम कैसे देंगे, राइट? अब या तो बच्चा जेई मेन्स की प्रिपरेशन कर ले, या तो अपने एनसीईआरटी को तैयार करे, ठीक है, तो या तो उसका जेई मेन्स चला जाएगा या सीबीएसई का बोर्ड चला जाएगा, या हो सकता है दोनों ही चला जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन में बच्चा क्या करेगा। तो ये जो कन्फ्यूजन आप लगातार क्रिएट कर रहे हैं सीबीएसई, तो ये बच्चों के साथ ना करें, बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेस्ड हैं। आप तक पता नहीं खबरें पहुँच रही या नहीं पहुँच रही, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है सुसाइड भी कर रखे हैं। पड़ोस में 2 दिन पहले क्लास 12th के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्यों? क्योंकि उसके नंबर क्लास 12th में कम आए थे। तो इस चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सीबीएसई लेगी या वो स्कूल लेंगे जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था? क्योंकि जो रिजल्ट तैयार किया गया है वो उसका बेस आपने क्या रखा है? रेफरेंस ईयर, यानी जो स्कूल का रेपुटेशन है उस रेपुटेशन के बेस पे आपने बच्चों को पास किया है, लेकिन बच्चों का जो बच्चे का अपना खुद का इंटेलिजेंसी है उसको तो आपने यूज ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हुए नहीं। एक बार आप एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं, फिर एक बार एग्ज़ाम लेने की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल भी समझ से परे है। तो ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम घोषित कर दिया है, एग्ज़ाम लिए जाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि जल्द से जल्द आप जो है डेट शीट भी जारी कर दें, ताकि बच्चे अपने डेट शीट के अनुरूप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया है, तो सर्कुलर का वेट कीजिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे के मैसेज आ रहे थे, सर आपने कहा था कि कल 6 बजे तक जारी कर दिया जाएगा, बट अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों जैसे ही सीबीएसई जारी करेगी मैं वैसे ही आपको खबर दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी की जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स के दोस्तों मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थोड़ा सा अभी बिजी था मैं आज, इस चक्कर में आपको जवाब कमेंट से जवाब नहीं दे पाया,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें वीडियो को प्यार दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल के द्वारा। दोस्तों क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 10th के जितने भी पेपर संबंधित पैटर्न आप सभी तक जारी किए जाएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। बस दोस्तों यही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।